So today we are on 11th session of our 12 weeks counselor training program. So this is the second last session, and it's been really a wonderful journey for me, at least up till now. And I hope the same thing is with you. You know, we all together have learned a lot of things from each other. You know, thank you, all of you, for making this program, you know, a good success. Today, we are going to take you through mock counseling sessions. So whatever we have seen up till now, अब तक अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी देखा है या जो कुछ भी सीखा है, व्हाटएवर वी हैव गॉन थ्रू, सो इट्स टाइम नाउ टू पुट ऑल दोस थिंग्स इनटू प्रैक्टिकलिटी. तो आज हम लोग रैंडमली वी विल पिक अप यू नो काउंसलर्स अमंगस्ट यू, एंड देन वी विल हैव अ मॉक काउंसलिंग सेशन. बिल्कुल भी डरने की, शर्माने की, झिझकने की कोई बात नहीं. बिकॉज ये हम लोग सब काउंसलर्स का ग्रुप है. इफ एट ऑल हम लोग कुछ गलतियां करते हैं, कुछ मिस्टेक्स करते हैं, तो इट विल बी बिटवीन अस, एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू अर यू नो व्हेन यू आर विद योर ओन पीपल रादर देन मेकिंग मिस्टेक्स इन फ्रंट ऑफ पेशेंट्स. तो आज जो कुछ भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है, जो कुछ भी आप लोगों को लगता है आपने इतने 10 वीक्स में 10 वीक्स में आपने सीखा है, तो लेट अस पुट ऑल दोस थिंग्स इनटू प्रैक्टिकलिटी टुडे. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग. आई हैड आस्क्ड कि कोई वॉलंटियर करना चाहता है, तो एज एक्सपेक्टेड मुझे किसी का फीडबैक नहीं आया, तो दैट वॉज एक्सपेक्टेड ऑब्वियसली. तो आई विल अगेन ओपन इट टू द फोरम. If at all somebody wants to volunteer for the first session as a counselor, quickly hand raise कीजिए in chat box. अगर नहीं किया तो मैं randomly किसी को भी select करूंगा, मैं छोड़ने वाला तो हूं नहीं. Still we have almost 1.5 hours, so we can have at least 10 to 12. तो अभी आज का attendance कितना है? We have 38. Okay, already कम लोग अटेंड कर रहे हैं आज का सेशन. फिर भी 38 में से एटलीस्ट 10-12 लोगों को तो आज मौका मिल पाएगा. So those who are counselors, full time counseling जो कर रहे हैं, I would request them to come up and प्रतीक volunteer. Yes sir. प्रतीक आप नम्रता अरोड़ा को पकड़िए. नम्रता वो आपकी काउंसलर है सर. Yes. गुरुप्रसाद इज सेइंग साउंड इज नॉट क्लियर. इज इट नॉट क्लियर टू एवरीवन और जस्ट गुरुप्रसाद? साउंड क्लियर है? वॉइस क्लियर है? ओके ओके. सो मे बी गुरु प्रसाद आपके एंड पे शायद कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है. तो वील स्टार्ट विथ नम्रता अरोड़ा, एंड देन एज एक्सपेक्टेड जसविंदर ऑल्सो वॉन्ट्स टू वॉलंटियर, बट स्टिल ही इज इन द हॉस्पिटल. सो मिस्टर जसविंदर, वुड यू लाइक टू स्टार्ट विथ द फर्स्ट सेशन एंड देन लीव फॉर योर प्लेस, और आप घर पहुंच के बाद में ज्वाइन करोगे? मिस्टर जसविंदर, मिस्टर हरी, कैन यू अलाउ देम टू अनम्यूट? यस सर. या प्लीज सर. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. Actually, there's some work for the new project, sir. We are working for the new hospital. We won't be able to connect much, sir. I'm sorry, I can attend, sir, but I cannot participate. Achha, you cannot participate. Okay, no, fine. So you just stay online. So where is Ms. Namrata Arora? Ji, आपके सर की फरमाइश है, वो आपकी काउंसलिंग देखना चाहते हैं. आप तैयार हैं? हाँ जी सर. जी वंडरफुल. सो
फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली फॉर द फर्स्ट काउंसलिंग पेशेंट में रहूंगा. आई विल ट्राई नॉट टू बी वेरी टफ एंड डिफिकल्ट पेशेंट. लेकिन इसके बाद हम लोग टर्न बाय टर्न आप में से किसी को पेशेंट का भी मॉक करने के लिए बोलेंगे. व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू डिसाइड ऑन वन सिचुएशन. आप आइदर कैटरेक्ट पेशेंट है, कैटरेक्ट पेशेंट के रिलेटिव है, या फिर खुद लैसिक पेशेंट है, या फिर रेटिना सर्जरी के लिए, या फिर एनी प्रोसीजर के लिए. यू योर सेल्फ आर अ पेशेंट और यू आर अ रिलेटिव ऑफ द पेशेंट एंड यू जस्ट हैव टू यू नो इमेजिन वन सिचुएशन कि आपकी सिचुएशन ये है. वो आपको काउंसलर को रिवील नहीं करनी है. राइट. फॉर एग्जाम्पल मुझे लेटेस्ट से मुझे कंसर्न है कि मेरे पेरेंट्स जो है वो आपके गांव में रहते हैं और मैं शायद किसी टाउन में या फिर सिटी में रहता हूं और मैं ज्यादा देर तक यहां पे रुक नहीं सकता हूं. तो मुझे जो जो कुछ भी है क्विकली खत्म करके निकल जाना है. दिस कुड बी वन सिचुएशन बट यू डोंट हैव टू रिवील दैट. जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि आपको प्रोबिंग करके इंफॉर्मेशन गैदर करके उस पेशेंट की या फिर उस काउंसलर उस रिलेटिव की बेसिक कंसर्न या नीड क्या है वो आपको फाइंड आउट करनी है और you have to answer accordingly. ठीक है. So we will try and exhibit interactive counseling जो हम लोगों ने सीखा है या देखा है. We'll try and exhibit that as much as possible. Okay. So be free, be tension free. यहाँ पे अगर आपसे कुछ गलती होती है तो it's not going to be a very great mistake because we all are in learning phase. You know, even I am learning today. बिकॉज जैसे कि मैंने कहा कि कई जगहों पर मैं खुद काउंसलिंग मुझे करना पसंद है तो पिछले 10 हफ्तों में मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है जो मैं इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ. सो इट्स ऑल यू नो इट्स अ लर्निंग फेज और इट्स अ लर्निंग प्रोसेस फॉर ऑल ऑफ अस. ठीक है नम्रता जी. थैंक यू सर. ओके. तो आपके लिए मैं खुद पेशेंट का रिलेटिव हूँ. ठीक है. मैं मेरे पिताजी को आपके अस्पताल में लेके आया हूँ. डॉक्टर साहब ने उन्हें चेक किया है और उन्हें कैटरेक्ट का ऑपरेशन सजेस्ट किया है. फाइन. और मैं और मेरे पिताजी हम लोग दोनों आके काउंसलिंग रूम में आपके सामने वी आर जस्ट एंटरिंग. वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे. हाँ जी सर. पहले तो नमस्कार सर. आप लोग कहाँ से आए हैं उनका पूरा ब्यौरा लेते हैं हम लोग. सर आप कहाँ से आए हैं? मैं किसी एक्स वाई क्योंकि आपके आजू बाजू गांवों के नाम मुझे पता नहीं है. किसी एक्स वाई जेड गांव से आ रहा हूँ. ठीक है सर. सर एक्चुअली आपके गांव से काफी पर्सन हमारे पास आते हैं. कई ऑपरेशन करा के भी गए हुए हैं. जैसे मिस्टर जसविंदर आए थे पिछले वीक करवा के गए हैं. तो अपनी मदर का करवाया उन्होंने. ओके. काफी जाने आते हैं उधर से. पहली बात तो ये है कि आपके फादर की एज है 65 इयर्स. ठीक है जी. तो मेन भी उनकी मतलब वैसे एक्टिविटी कितनी रहती है बाहर आना जाना या और वर्किंग? उन्हें काम तो करते नहीं है वो लेकिन बाहर काफी घूमना रहता है उनका क्योंकि घर पे बैठ नहीं सकते. रिटायरमेंट के बाद मतलब ही बिकम्स रेस्टलेस और बाहर घूमते रहते हैं. और मैं ज्यादा रहता नहीं हूँ क्योंकि मैं सर्विस की वजह से दूसरे शहर में रहता हूँ. मैं कभी कभार महीने दो महीने में एक आध बार आता हूँ बस. अभी वो मैं आया था तो बोले मुझे तकलीफ हो रही है कम दिखाई दे रहा है तो हम लोग डॉक्टर साहब के पास आए. डॉक्टर साहब बोले मोतिया है ऑपरेशन करवाना पड़ेगा तो आप जानकारी देंगे ऐसा बताया उन्होंने. ठीक है सर. एक्चुअली मेन है कि उनका सॉरी टीवी टाइम कितना है या मतलब मोबाइल टाइम कितना है? टीवी तो बहुत कम देखते हैं लेकिन मोबाइल बहुत बहुत ज्यादा रहता है. मोबाइल ज्यादा देखते हैं. मोबाइल बहुत मतलब रात को सोने तक वो हाथ में मोबाइल और आंखों पे चश्मा रहता ही है. लाइट बंद हो जाए तो भी वो मोबाइल और चश्मा रहता ही है. ओके. तो ये चाहेंगे कि अपडेट के बाद भी हम चश्मा लगाएं या बिना चश्मे के देखें? जी मतलब पिताजी से पूछेंगे. पिताजी से पूछेंगे नहीं आपसे. हाँ उनसे पूछेंगे क्योंकि काम तो उन्होंने करना है ना. जी तो समझे पेशेंट ने बताया कि नहीं मुझे चश्मा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है
या फिर अगर ऐसा हो सकता है कि बिना चश्मे का ऑपरेशन हो सकता है, मतलब ऑपरेशन के बाद चश्मा ना लगाना पड़े? चश्मा ना लगाना पड़े उसके लिए हमारे पास है सर लेंजेस, तो वो भी उनके लिए बेटर रहेगा जो वो ही करेंगे। वैसे मोनोफोकल होता है, खर्चा कितना होता है? हाँ जी, मोनोफोकल है जो दूर की निगाह देता है हमें, ठीक है, उसके लिए हमें पास का चश्मा लगाना पड़ेगा सर। अच्छा, नहीं नहीं अगर चश्मा नहीं लगाना है तो हमें मल्टीफोकल डालें, मल्टीफोकल में हमें नियर विजन मिडल विजन सारा मिलेगा। अच्छा, बिना चश्मे के? बिना चश्मे, हाँ जी, मतलब चश्मा लगाना ही नहीं पड़ेगा उन्हें, ऐसा है? चश्मा लगाना ही नहीं पड़ेगा सर। ओके, अच्छा है। फिर खर्चा कितना होता है उसका? तो खर्चा लगभग सर हमारे पास जो होगा नियर अबाउट 35 to 45। और फिर बाकी ऑपरेशन का खर्चा? टोटल पैकेज होता है सर हमारा। अच्छा, तो वो 35 में सब सब आ गया? सब कुछ आ गया सर, इंक्लूडिंग मेडिसिन, डॉक्टर फीस, लेंजेस, सब इंक्लूड हो गया सर। और फिर दूसरे दूसरे क्या ऑप्शन रहता है फिर? मतलब सर, जैसे आपने कहा 45 है, तो फिर 35 और 45 मतलब फर्क क्या रहता है, या फिर पेशेंट के हिसाब से वो बढ़ता रहता है क्या खर्चा? पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर। तो इनको कितना होगा, मतलब 35 टू 45 एक अगर फिगर पता चले तो फिर डिसीजन लेने में आसानी होगी ना मैडम? हाँ, जैसा है कि इन्होंने मतलब पास का चश्मा नहीं लगाना तो उसमें 35 हो जाएगा इनका, ठीक है। अगर चश्मा लगाना नहीं है, नहीं लगाना है तो 45 का जाएगा जो कि हमारा मल्टीफोकल है। अच्छा, नहीं लगाना है तो 45 जाएगा? हाँ जी। और चश्मा लगाना है तो 35 जाएगा? हाँ जी। ठीक है, कब करवा सकते हैं ऑपरेशन, मतलब अभी थोड़ा टाइम है ना? हाँ सर, टाइम तो नहीं है, एक्चुअल क्या है इनकी निगाह काफी वीक हो चुकी है जी, तो जी। जो कि सब आपको दिखाई दे रहा है, सब पता चल रहा है हमें कि विजन इनका काफी कम है, 660 विजन है राइट आई का और लेफ्ट का 624 है, उसमें थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि एक आंख तो बिल्कुल इनकी देख ही नहीं रही और दूसरी लोग देख रही है, तो नाइट में इनको प्रॉब्लम आएगा, धूप में जाते हैं तब भी दिक्कत आएगी, इसलिए एक आई का हो जाए तो सेकंड आई थोड़े दिन टाइम निकाल सकती है इनका। तो एक आंख का कितने दिन में करवाना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो बेशक 2-3 दिन में जैसे हो जाए आप साइड कीजिए, 2-3 दिन में हो जाना चाहिए। और ऑपरेशन के बाद फिर उनको कितने दिन तक आराम करना पड़ेगा? 3 या 4 डेज घर में रहना पड़ेगा। घर में रहना पड़ेगा, चैन से इन्होंने कोई किचन का काम नहीं करना, ठीक है जी? नहीं, वो तो नहीं करते हैं। इन्होंने किचन का काम नहीं करना, मे बी 3 डेज होता है कि जिस साइड आई हमारी बनी है, कैटरेक्ट ऑपरेट किया है, उस साइड पलटी नहीं लेना, ठीक है जी? और उसके बाद आप बाहर जाना है, चश्मा लगा के घूम फिर सकते हैं, सिर्फ व्हीकल ड्राइव करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, वो नहीं अभी करना। नहीं, वो तो ड्राइविंग तो करते नहीं है। हाँ जी, सिर्फ ड्राइविंग नहीं करते वो। दो प्रिकॉशन और होते हैं, आईज मली ना जाए और छपके नहीं लगाने पानी के, ये चीज मेन होती है। तो उनके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा ना, मतलब 3-4 दिन थोड़ा उसका ध्यान रखना पड़ेगा। 3-4 दिन के लिए पूरी प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी। मदर भी मेरी अभी मतलब उससे भी नहीं हो पाता है, दोनों ही रहते हैं यहाँ पे, मतलब मुझे रुकना पड़ेगा 3-4 दिन तक ऑपरेशन के बाद। हाँ जी, हाँ जी, कोई केयर के लिए चाहिए होगी। अच्छा ठीक है, क्योंकि अभी तो मुझे आज रात निकलना पड़ेगा क्योंकि छुट्टी तो मिलेगी नहीं, मैं देखता हूँ अगर हो सके तो मैं छुट्टी लेके 3-4 दिन में आने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इच्छुक हो तो मैं इनकी बायोमेट्रिक करवा सकती हूँ। वो क्या चीज होती है? उसमें क्या होता है, हमें लेंस की पावर की कैलकुलेशन के बारे में पता चल जाता है, कौन सी पावर इनके डलनी है, वो हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि वो होना बहुत जरूरी है। अच्छा, हाँ जी
ठीक है, मतलब वो अभी आज कर लिया और ऑपरेशन हफ्ते के बाद किया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि मेरे पास लेंस अवेलेबल हो, आपको बार बार चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। जी नहीं नहीं नो प्रॉब्लम, वो तो करवा लीजिए आप, बाकी ऑपरेशन का तो देखते हैं हम। ठीक है सर, खर्चा क्या कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ सर जी? नहीं बस ठीक है, हम लोग बात करते हैं और फिर देखते कब करवाना है। ठीक है सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, थैंक यू। ओके ಸರ್, ಬಸವರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ದಿನ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Somebody has unmuted herself. Can you please? ಪಾಪ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಹಲೋ, ಮಾಮೂಲಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಸರ್. ಹಲೋ, ಅದೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಭಿಲಾಷ್ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಹರಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್? Yes, sir. Okay. Allowed participant. Yeah. Okay, good. Namrata ji, first match or opening batsman. काफी अच्छी batting की आपने. इससे पहले कि मैं कुछ feedback दूँ. Anybody from the group कोई feedback देना चाहेगा? Yes, समायरा अरोड़ा, क्या आप नम्रता अरोड़ा के काउंसलिंग के बारे में कुछ टिप्पणी देना चाहेगी? नहीं सर, ठीक था, अच्छा था. ठीक था, अच्छा था. ओके, कंचन शर्मा, यू लाइक टू कंट्रीब्यूट समथिंग? अनम्यूट कीजिए. कोई कमेंट नहीं है सर, अच्छा किया उन्होंने, चेक किया. अच्छा, आप लोग सेफ खेल रहे हो, मतलब अभी आपकी बारी आए तो फिर एटलीस्ट बाकी कोई नहीं तो कम से कम नम्रता अरोड़ा तो अच्छा बोलेगी. और कौन है? अश्विनी खोत मैडम, एनी फीडबैक? नहीं सर, सिर्फ ये था कि लेंस का थोड़ा सा और समझाना जरूरी था. ओके गुड, बाकी अच्छा था. Yes, who is this Galaxy M30S? Yeah, this is Dr. Swati here, sorry. Yeah. Yes, sir. In my view, we should do biometry first before the counseling. Is it better? Okay. So that we can plan if there is a toric lens, right? Yes. Toric mm-hmm. or, yes. And the systemic history is very important here if we are planning for multifocal. So that this all the systemic diseases should be included from counselor point of view, sir. Absolutely, very good point. As far as biometry is concerned, many places they are conducting biometry before counseling, so that the counselor has got very clear view of whether the patient is for toric or non-toric, or whether a good candidate for multifocal or not. So it varies from practice to practice. कई सारे जगहों पे पहले काउंसलिंग किया जाता है, स्पेशली इन केस ऑफ फ्रेशली डायग्नोस्ड कैटरैक्ट्स एंड दोज सेंटर्स हु आर चार्जिंग फॉर बायोमेट्री. देर इट मेक्स सेंस दैट यू फर्स्ट एक्सप्लेन इट टू देम एंड देन यू कंडक्ट बायोमेट्री, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है कि डॉक्टर साहब ने बताया, फिर उसके बाद बायोमेट्री के लिए गए, वहां पे तुरंत 500 रुपया बायोमेट्री का दीजिए, देन पेशेंट हैज गॉट दैट बिटर सेंस. So few places they do not prefer biometry before counseling, but it's always a good practice to conduct biometry before counseling, so that your counselor and even surgeon has got a clear idea about the suitability of lens for that particular patient. So that's a valid point. Aur dusra ek point jo mere khayal se Ms. Ashwini ne raise kiya ki lens ke bare mein aur counseling hona zaruri tha. बट आई अंडरस्टैंड दिस बीइंग मॉक काउंसलिंग, आप मॉक काउंसलिंग में बहुत कम बात करते हो. एक्चुअली जब पेशेंट सामने रहता है तो आप इससे ज्यादा बात करते हो, दैट आई अंडरस्टैंड हैविंग सीन लॉट ऑफ सेशंस.
तो डेफिनेटली आप लेंस के बारे में तो कोई भी काउंसलर चुपता नहीं है, यू नो, वो लेंस के बारे में बताता ही बताता है. सो आई विल जस्ट इग्नोर दैट पॉइंट. लेकिन नम्रता जी, एक दो तीन पॉइंट्स में ऐड करना चाहूंगा. ऑफकोर्स नम्रता जी एक एग्जांपल है. दिस इज फॉर द होल ग्रुप बिकॉज वी ऑल आर वी ऑल आर लर्निंग. स्टिल आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल आर नॉट शोइंग अप देयर फेसेस. कैन यू प्लीज कम ओवर एंड यू नो actively join the session. It's for you. Okay. So basically probing और ज्यादा होना जरूरी है. ठीक है, आपने काफी अच्छी कोशिश की कि इनका daily routine क्या रहता है, या फिर you tried to find out visual need या फिर lifestyle need आपने find out करने की कोशिश करी. लेकिन उसके आगे जाकर के आप उसका utilization नहीं कर पाए क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन एडिक्वेट गैदर नहीं की. जैसे कि पेशेंट के बेटे ने कहा कि नहीं, वो मतलब बाकी तो कुछ नहीं, बाहर घूमते फिरते हैं, बहुत ज्यादा घूमते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रेस्टलेस रहते हैं, घर में बैठ नहीं पाते, टिक नहीं पाते हैं. देन यू शुड हैव दैट क्वेरी कि फिर वो क्या करते हैं. पूरे दिन भर या सुबह के 3 घंटे या शाम के 3 घंटे, दिन के 6-7 घंटे आदमी बाहर सिर्फ घूम नहीं सकता. सो देयर आर चांसेस दैट ही माइट हैव सम क्लब, he might have some group, या फिर वो कहाँ पे रहते हैं, छोटे गांव में रहते हैं तो फिर, या you know, एक जगह रहती है जहां पे जाके जो रिटायर्ड लोग है वो इकट्ठा बैठ के कुछ गपशप करते हैं, या फिर दूसरी खेती बाड़ी है, वो खुद खेती का काम नहीं करते लेकिन वहां पे जाके सुपरविजन करते हैं. ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर होनी बहुत जरूरी थी क्योंकि इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर नंबर वन आपको उस पेशेंट की लाइफस्टाइल और विजुअल नीड का पता चलता है. सो यू आर इन अ बेटर पोजीशन. अभी क्या हुआ, आपने बहुत वेगली 35-45 ये रेंज बता दिया. मोनोफोकल करेंगे तो 35, मल्टीफोकल करेंगे तो 45. बेसिकली उसके उस पेशेंट को मल्टीफोकल जरूरी है या नहीं, पेशेंट भले बोले कि नहीं मुझे दिक्कत नहीं है, अगर चश्मा नहीं पहनना पड़े तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा है, ड्राइविंग नहीं करते, ये आपको एक डेफिनेटली पॉइंट मिला कि नहीं ठीक है. सो उस बारे में वो पेशेंट सेफ है, यू कैन प्रमोट मल्टीफोकल. लेकिन बाकी सारी चीजें है, जैसे कि पेशेंट खुद कितना परफेक्शनिस्ट है, वो ऑब्वियसली आप पेशेंट से बात करोगे तो आपको पता चलेगा. दूसरी चीज, बेटा अगर साथ में आया है, और जब बेटा साथ में आया है तभी पेरेंट को लेके आया है, अदरवाइज पेरेंट कैन नॉट कम ऑन हिज ओन. So that means decision maker mostly बेटा है. ठीक है, पैसा बेटा देने वाला है कि नहीं देने वाला है ये आगे की चीज है, but decision maker his parent is largely dependent, you know, what I would say, largely dependent for the decision making process on his son. तो उसके कन्वीनियंस के हिसाब से आपको वो काउंसलिंग का सेशन थोड़ा घुमाना चाहिए था. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पेशेंट या फिर सामने वाला आपको क्लूज देता रहता है. मैंने कई बार आपको क्यूज दिए कि मैं आया था, मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ लेकिन मैं आया था, बोला कम दिख रहा है तो मैं बोला दिखा के लाते हैं, अभी मेरे सिवा तो कुछ हो नहीं सकता, आज के आज मुझे जाना जरूरी है, लेकिन मैं देखता हूँ 3-4 दिन में अगर मैं वापस आ सका तो मैं हफ्ते भर की छुट्टी लेकर आता हूँ. बट जो एक पॉइंट मैंने बताया था कि आपको एक डेफिनेट प्लान ऑफ एक्शन देके पेशेंट को बाहर छोड़ना है. आपने बायोमेट्रिक के लिए कन्विंस करवाया, आपके यहाँ पे बायोमेट्रिक के एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं या नहीं लगते हैं? नो, सो यू डोंट चार्ज? नो, या सो दैट वे यू आर सेफ. अदरवाइज कई जगह पे क्या होता है, आप अगर बायोमेट्रिक के लिए कन्विंस करते हो और आप चार्जेस के बारे में नहीं बताते हो तो देन दैट अगेन गिव्स अ बेटर यू नो टेस्ट टू द होल कन्वर्सेशन और द होल एक्सपीरियंस. तो ये आपको बहुत क्लियरली बताना है. एंड इफ यू आर नॉट चार्जिंग देन ऑल्सो यू हैव टू प्राउडली से दैट सर आज इनका लेंस का मेजरमेंट करते हैं, एक टेस्ट रहती है बायोमेट्रिक टेस्ट करके, वो आज कंडक्ट कर लेते हैं बिकॉज इनको बार बार आना ना पड़े. आपने वो कहा लेकिन यू हैव टू एम्फोसाइज मोर दिस, वी आर डूइंग इट फॉर योर बेटरमेंट, आपके कन्वीनियंस के लिए हम लोग ये कर रहे हैं क्योंकि अंकल को बार बार आना ना पड़े एंड इसके कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं रहते हैं. तो क्या आज हम लोग करवा सकते हैं? टेक अ कंसेंट, राइट. वन मोर थिंग,
डिसीजन मेकिंग साइकोलॉजिकली अगर बेटा है तो हो सकता है कि वो फाइनेंशियली भी बेटा डिसीजन मेकर हो सकता है, लेकिन दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ हाइगेन प्रूव. आप सीधा पूछ नहीं सकते कि सर खर्चा कौन करने वाला है, हम लोग पूछ नहीं सकते, राइट. सो यू हैव टू फाइंड आउट अकॉर्डिंग. मैं सर्विस के लिए किसी दूसरे शहर में रहता हूँ, देन सेकंड क्वेश्चन शुड कम, ये अगेन मैंने क्लू दिया था आपको, सेकंड क्वेश्चन शुड कम वेदर दिस गाय हैज एन इंश्योरेंस और नॉट. सर्विस कर रहा है बंदा, ठीक है, कंपनी की पॉलिसी है, पेरेंट्स के लिए कवर्ड है नहीं है, तो उसका डिसीजन उसके ऊपर डिपेंडेंट रहने वाला है. तो ये सारी चीजें काउंसलिंग केबिन में होनी चाहिए. गेटिंग माय पॉइंट? सो ये क्लूज आपको छोटे छोटे पकड़ के, यू जस्ट डोंट हैव टू बी. एंड वन मोर थिंग, वन स्ट्रिक्ट नो सभी के लिए, पेशेंट या रिलेटिव जब पूछता है कि खर्चा कितना होगा, यू डोंट हैव टू आंसर इमीडिएटली. नो नीड टू आंसर. पेशेंट आपका कहीं भागने वाला नहीं है, या फिर वो ऑफेंड भी नहीं होने वाला है, या ना नाराज होने वाला है. आप जब उसको खर्चा बताते हो तो उसका लिसनिंग ऑटोमेटिकली लेवल टू या लेवल थ्री पे चला जाता है. फर्ज कीजिए कि मेरा मेंटल बजट 10,000 है, ठीक है, समझिए ये केस में मेरा मेंटल बजट में समझ के आया था कि 10,000 में ऑपरेशन हो जाएगा, और आपने काउंसलर ने मुझे क्या बताया, 35,000 to 45,000. आई गेट कट ऑफ इमीडिएटली. Do we have an option wherein we can offer 10 to 15,000 का पैकेज at your practice? I'm asking you, मैं पूछ रहा हूँ आपको. ऐसे पेशेंट ऑप्शन है? Yes, yes, we have. Right? तो अगर मेरा मेंटल बजट 10,000 था और मैं 35,000 से 45,000 सुनकर निकल गए, then we have lost that patient. You're getting my point? So never ever hurry up. एक्सप्लेनिंग योर पैकेजेस. रुपी वैल्यू बताने की जल्दी जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए. देखिए काउंसलर के सामने पेशेंट, काउंसलर को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो ये सारी चीजें अच्छे से पेशेंट के सामने पुट फोर्थ कर सकता है. टिपिकली बहुत सारे प्रैक्टिसेस में, इवन खुराना सर विल ऑल्सो शेयर हिज एक्सपीरियंस, कि जब डॉक्टर बताता है कि आपको मोतिया का ऑपरेशन करना पड़ेगा, मेनी अ टाइम्स पेशेंट सर अच्छा कब करना पड़ेगा, आइदर ये कहते सर कब करना पड़ेगा या फिर सर उसका खर्चा कितना होता है. दीज आर पॉइंटेड क्वेश्चंस. वो पॉइंटेड क्वेश्चन को डॉक्टर को सीधा आंसर ना करना पड़े और डायरेक्टली प्राइस या फिर इकोनॉमिक डिस्कशन पर सारी चीजें ना आए, इसलिए काउंसलर का रोल आता है. अगर आपके पास आने के बाद आपने भी इमिडिएटली उसको प्राइस रिवील कर दिया, then he is not in a mindset to listen to all other things that you are probably planning to explain. आप लोग समझ रहे हो मेरी बात, what I'm trying to convey to you. So take this as an opportunity. या आपके पास बहुत अच्छी opportunity है, आप उसकी lifestyle need, उसकी visual need, उसकी economic condition, उसका mental budget, insurance, non-insurance, डिसीजन मेकर कौन है, ये सारा चीज, ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके आप उसको एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन की तरफ अच्छे से ले जा सकते हो. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉट जस्ट मिस नम्रता, अभी मोस्ट ऑफ अस व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्सप्लेनिंग कि सर हमारे पास अलग अलग लेंस के अलग अलग पैकेजेस है. अगर आप इंडियन लेंस करवाते हो तो 10,000, 12,000, 19,000 जो भी हर जगह अलग अलग रहते हैं. इंपोर्टेड लेंस में होता है तो फिर 25,000, 35,000, 40,000, 45,000. अगर आपको चश्मा नहीं पहनना है तो फिर ये मल्टीफोकल रहते हैं, इसमें आपको दूर का और नजदीक का अच्छे से दिखता है. अगेन वन पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक इन दिस मॉक काउंसलिंग, दिस वी आर ऑलरेडी डूइंग एक्सप्लेनिंग पैकेजेस. नाउ वॉट डिफरेंटली वी वॉन्ट टू डू फ्रॉम नाउ और फ्रॉम टूमोरो इज नीड स्पेसिफिक रिप्लाई या फिर नीड स्पेसिफिक आंसरिंग जिसे हम लोग कहते हैं, हम लोग को उसमें अपने आप को एक्सप्लोर करना है. तो इस केस में जैसे कि पेशेंट ने आपको कई सारे क्लूज दिए बट यू वेर नॉट एबल टू पिकअप दोज क्लूज, सो जस्ट ट्राई टू बी यू नो अ गुड लिसनर एंड गुड ऑब्जर्वर. आपको पेशेंट या फिर उसका रिलेटिव क्लूज देता रहता है. And don't leave that clue in between. नहीं, पहले मेरी बात खत्म करने दो फिर इस clue के बाद तरफ में बाद में आती हूँ. It never happens because we tend to forget in our clue.
जब पेशेंट ने कहा कि नहीं मैं दूसरे शहर में रहता हूँ, इमीडिएटली योर क्वेश्चन शुड कम, अच्छा तो फिर आप सर्विस करते हैं कहाँ पे करते हो, इफ यू डोंट माइंड, कौन से शहर में करते हो, दैट मच यू कैन आस्क, ओके कौन से फील्ड में हो सर आप, ओके ग्रेट ग्रेट, आपने बहुत ही अच्छा एक रैपो बिल्डिंग के लिए कोशिश की कि आपके गांव से बहुत सारे पेशेंट आते हैं, लास्ट वीक मिस्टर जसविंदर ने उनके पेरेंट्स से करवाया है, आप जानते हैं, सी ये आपको अगर कनेक्ट करना है तो फिर आपको ये सारी चीजें और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करनी पड़ेगी, इट वॉज अ वंडरफुल व्हाट आई वुड से एफर्ट, लेकिन इसके ऊपर आपको और पॉलिश करना है. और वन मोर पॉइंट व्हाट आई सेड आई वांटेड टू मेक इज मल्टीफोकल में अगर पेशेंट सामने से पूछ रहा है कि उनको बिल्कुल भी चश्मा लगाने की जरूरत नहीं, तो इन माय ओपिनियन यू शुड नेवर एवर से हाँ बिल्कुल. सी योर कमिटमेंट इज टेकन एज प्रॉमिस और योर वर्ड इज टेकन एज अ कमिटमेंट. In practicality, there are chances, or practically also, you know, there are cases wherein patient को थोड़ा बहुत number रह जाता है. अगर unfortunately ये वही patient निकला, then you have overpromised. Rather, what we should do is we should undercommit and overperform, or underpromise and overperform. अगर patient सामने से पूछ रहा है कि बिल्कुल नहीं पड़ती है. देखिए सर, हमारे प्रैक्टिस में तो मतलब महीने के बहुत सारे लोग मल्टीफोकल लेंसेज डलवाते हैं, मेरे देखने में तो किसी को आज तक जरूरत नहीं पड़ी है, या फिर रह गया तो बहुत छोटा सा नंबर रह जाता है जो मेडिसिन के पीछे की स्ट्रिप रहती है, उतना एकदम अगर फाइन पढ़ना है तो वो शायद आपको विदाउट स्पेक्स ना दिखे, या फिर इकोनॉमिक टाइम्स में स्टॉक्स के जो स्ट्रिप्स रहते हैं उतना स्मॉल फॉन्ट रहेगा, वो शायद उसके लिए आपको चश्मे की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस में तो मल्टीफोकल इज वर्किंग फंटास्टिक. यू शुड नॉट प्रमोट प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का फीचर है इसमें चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती है, नो यू शुड प्रमोट योर प्रैक्टिस, राइट. आपने अगर मल्टीफोकल उसको प्रमोट करके भेजा तो वो दूसरी किसी जगह पे भी जाके मल्टीफोकल डलवा सकता है. हमारे प्रैक्टिस में आज तक मल्टीफोकल के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है, सो दैट मींस इट्स नॉट ओनली प्रोडक्ट, इट्स माय सर्जन्स हैंड, सर्जन स्किल, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, और दैट रादर दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी. ये छोटी छोटी चीजें एज अ काउंसलर हम लोगों को कन्वे करनी है हमारे, राइट. बट ओवरऑल वंडरफुल, बाकी सारे लोग म्यूट है, एटलीस्ट मैं क्लैप कर सकता हूँ आपके लिए, so, you know, let everybody clap. चलो सेकंड, who would like to volunteer? Hello. Yes. When one small question. जी मैडम. When is the when and how to find out the mental budget of the patient? No, it's very difficult to find out mental budget of the patient. But then, you know, with experience, when you explain the whole package system, आप उसके expressions और उसके आँखों में देख करके आपको थोड़ा बहुत idea आ जाता है, या फिर वो questions पूछता है. आपने समझिए 10,000 से लेकर के 50,000 तक सारे पैकेजेस एक्सप्लेन किए, ठीक है. किसी एक आपने डिस्कशन किया, उसके बाद में अगर पेशेंट ने आपको सवाल पूछा, लेकिन ये 19 वाला भी ठीक है या मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है, सो दैट इज अ हिंट टू यू कि उसका मेंटल बजट जो है वो अराउंड 19,000 to 20,000. मेनी पेशेंट्स आस्क आफ्टर एक्सप्लेनिंग, नो मेनी पेशेंट्स आस्क, आपने उसको 25-35-40-45,000 का एक्सप्लेन किया, लेकिन उसका मेंटल बजट अगर 20,000 ही है तो उसके आसपास वाला पैकेज पकड़ के वो पूछता है, लेकिन ये भी ठीक है ना, इसमें क्या होता है, दैट इज अ हिंट टू यू दैट दैट्स अ मेंटल बजट ऑफ दैट पेशेंट. अगर वो पेशेंट नहीं पूछता है तो आपको विथ एक्सपीरियंस काउंसलर को उसके आंख में या फिर फेशियल एक्सप्रेशन से थोड़ा बहुत आइडिया आता है, बट इट्स बॉडी लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. Yes, so that becomes, you know, that comes with experience, you know, once
अभी क्या होता है ना सर, बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, आइदर मेरे सामने एज अ काउंसलर मेरे सामने ब्रोशर रहता है, या फिर मैं जिसे मेन्यू कार्ड बोलता हूँ वो रहता है, या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, या फिर कोई प्रोग्राम रहता है. मोस्ट ऑफ अस एज अ काउंसलर व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज फॉर एवरीवन, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर लुकिंग एट दैट ब्रोशर, वी आर लुकिंग एट दैट मेन्यू कार्ड, वी आर लुकिंग एट दैट यू नो टीवी स्क्रीन, आई मीन कंप्यूटर स्क्रीन और टैबलेट स्क्रीन और eyeball, we are not looking at patients, we are not establishing eye contact. Once you start looking at patient and then start observing, आपको वो automatically पता चलता है उसका comfort कितना है, whether आप बहुत ज्यादा discussion में जा रहे हो और वो restless हो रहा है तो वो भी आपको पता चलता है कि भाई मुझे जल्दी जाना है, तो ये बढ़ता ही जा रहा है. So then you know, bind up. सड़क काम डिले हो रहे हैं अभी, और चक्कर जो नहीं जाना समान आंदा. I'll make it easier for you people. Who will volunteer to be patient? Patient ka role karne ke liye kaun volunteer karega? Come on, kam se kam patient to ban sakte aap. Yes. So now those who are not showing up their faces, I'll just try to call them by name. So Bharti Sagar. Shalini Rathod. So I just, excuse me, I don't know who all are ophthalmologists and who are counselors. So I'm just calling you by name without prefixing doctor or anything. Sir, I would like to ask one question for the last session. Yes. Yeah. If a patient, sir, Marathi chale? Mala chale, baki chale. Okay. Agar patient ne thoda sa hint diya hai ki. Switch on your camera, Dr. Swati. Sir, I'm at home. Sorry. इन केस आपने जैसे बताया लास्ट पेशेंट में, पेशेंट ने एक आइडिया दिया, हिंट दिया आपको कि सर ये 19,000 का पैकेज ठीक है क्या. सो इज इट बेटर टू टेल द पेशेंट कि सर ये बहुत अच्छा पैकेज है, लेकिन शुड वी गिव सम मोर ऑप्शंस एट दैट पर्टिकुलर टाइम, और वी शुड स्टिक टू दैट पर्टिकुलर पैकेज. Yeah. So once you have that hint that, you know, his mental budget is somewhere around 19 to 20K. So that means at the most, he can extend it by 4 to 5,000. At the most, there are chances. So you know ki aap usko ek package se zyada upar aur promote nahi kar sakte. Then question comes, why do you want to promote that patient? Just because you know the next package is a premium package, you want to promote that patient. Number two, genuinely the next package lens is much better than the 19K lens, that is why you want to promote that patient. Or simply because aapko matlab patient ne 19 bola aur maine 19 agree kiya, to fir isme mera skill kya aa gaya. Wo counselor ko ek ego rehta hai, maine premium mein convert kiya. So just to convert, conversion sake you want to promote that patient. You have to remember one thing, that if that patient is somewhere around 19 to 20, whatever his mental budget is, at the most he is going to jump by one package. There is some hello. Yeah. Pratik. Yes. Dr. Thiranandji. Today yes, only sir. We had a patient, 75 years lady, already fixed for Alcon IQ. Today she was due for the surgery. She was in my room, mere room mein aaye. Maine unko pucha, mata ji aap kya karte ho?
कहती हाँ मैं बस अखबार पढ़ती हूँ और कुछ नहीं करती। मैंने कहा कोई यूट्यूब मोबाइल कुछ नहीं? कहते नहीं मैं अखबार पढ़ती हूँ। मैंने कहा अखबार फिर आप चश्मा लगा के पढ़ती हैं कि बिना लगा के पढ़ती हैं? वो तो मैंने कभी भी नहीं लगाया। मैंने कहा ऑपरेशन के बाद तो शायद आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि जो लेंस आप ऑप्ट कर रही हैं वो तो मोनोफोकल लेंस है, मे भी अच्छा है एलकॉन का है तो उसमें आपको दूर की निगाह तो बहुत अच्छी हो जाएगी बट नजदीक के लिए तो चश्मा लगाना पड़ेगा। देन शी गेव अ थॉट कि वो तो मैंने कभी भी नहीं लगाया। तो आई टोल्ड हर दैट वी हैव एन ऑप्शन कि हमारे पास एक और भी है लेंस जो आप डालेंगी, फर्क भी उसमें प्राइस का ज्यादा नहीं होगा बट मोस्ट लाइकली आपको अखबार पढ़ने के लिए अच्छी रोशनी में चश्मा लगाने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, काफी हद तक नहीं पड़ेगी। एंड शी गॉट कन्वर्टेड इनटू मल्टीफोकल। यस यस, सो दिस इज चार्म ऑफ योर प्रीमियम। वन हैज टू जैसे बोलते हैं ना पेट में घुस के बात निकालनी पड़ती है। नहीं, अगर हम लोग अलग अलग इकोनॉमिक स्ट्रेटा की बात करें ना सर, लाइक इफ यू टेक दिस एग्जांपल, शी इज ऑलरेडी अ प्रीमियम मोनोफोकल, जो टॉप मोस्ट मोनोफोकल लेंस है। सो दिस पेशेंट इज ऑफ साइकोलॉजी, जो बेस्ट है वो मुझे चाहिए। सो प्रोबेबली उसने मल्टीफोकल एक्सप्लोर ही नहीं किया या फिर काउंसिलिंग में उसे ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन जो बेस्ट है वो मुझे चाहिए, पैसे का कोई टेंशन नहीं। शी ऑप्टेड फॉर अल्फा आईक्यू, but then when she got better option which will give her better lifestyle, so anyway she didn't have any mental budget ka problem, so she immediately jumped. But ye 15 to 20k ke window wale jo patients rehte hain unke case mein this mental budget this will not work. बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि वेल जो तुम्हारा मोस्ट कंफर्टेबल है बजट उसमें वी वुड लाइक टू गिव यू सबसे बढ़िया ऑप्शन आपको दे रहे हैं कि आप उतना खर्च करोगे बराबर का आपको बेनिफिट मिलेगा। सो एग्जैक्टली एज डॉक्टर खुराना इज सेइंग, जो डॉक्टर स्वाति ने क्वेश्चन किया कि ऐसे पेशेंट को हम लोगों को और आगे एक्सप्लेन करना चाहिए या फिर जो उसका मेंटल बजट है उसमें उसको कंफर्टेबल करना चाहिए। द फर्स्ट रिप्लाई ऑफ अ काउंसलर शुड बी कि नो प्रॉब्लम, ये भी पैकेज अच्छा है, ये भी लेंस अच्छा है, हमारे यहाँ पे काफी सारे पेशेंट्स ये भी पैकेज चूज करते हैं। अगेन यू हैव टू रीएम्फसाइज दैट यू नो यू आर नॉट ऑप्टिंग फॉर समथिंग इंफीरियर, अदरवाइज वो उसके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाता है, अरे यार आई हैड ऑप्शन ऑफ 35-45 बट लेकिन मैंने 19 वाला ही ऑपरेशन करवाया। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, जैसे आप ऊपर जाते हो आपको मिलने वाले बेनिफिट्स बढ़ते जाते हैं और ये ऑपरेशन आप एक ही बार करवाने वाले हो, तो आपका जो कुछ भी बेस्ट बजट है उसमें आप ऑपरेशन कीजिए, इसीलिए इतने सारे पैकेजेस है। सो देन दैट पेशेंट गिव्स अ सेकंड थॉट, अच्छा यार मतलब एक ही बार करना है तो 19 से एट द मोस्ट शी कैन जंप फॉर वन मोर पैकेज। थिंक अगेन, क्योंकि आप जैसे ऊपर जाने वाले हो आपको मिलने वाले बेनिफिट्स बढ़ते जाने वाले हैं, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो गुड, मेनी पेशेंट्स आर ऑप्टिंग फॉर दिस ऑल्सो। I hope this answers your question, Dr. Swati. Yes, sir. Yeah, thank you. Yes. Another thing, Mr. Pratik. Yes, sir. How do we differentiate? Suppose I am a patient for surgery. Ji. Right. So how will you come to know that whether I am conscious about the quality of the lens or the cost of the lens? कि मैं कॉस्ट सोच के आया हूँ या मेरे को क्वालिटी चाहिए, शुड इट बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वी कैन टॉक यू इन दोस टर्म्स, और अगर आप नहीं कर सकते तो देन वी कैन डिसाइड। आई डोंट नो हाउ टू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन। नो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज नोबडी इज गोइंग टू टेल दैट यू नो आई एम नॉट कंसर्नड अबाउट क्वालिटी, सो एवरीबॉडी इज कंसर्नड अबाउट क्वालिटी। क्वेश्चन इज द कॉस्ट फैक्टर कि जिस कॉस्ट में मुझे ऑपरेशन करवाना है उसमें मुझे अच्छी क्वालिटी चाहिए। सो इट डज नॉट मैटर वेदर यू नो वी टॉक अबाउट क्वालिटी, सी इफ वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट क्वालिटी और इफ वी स्टार्ट काउंसलिंग इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, देन दैट रिस्क इज देयर, जो मैं अभी बोल रहा था कि अगर मेरा बजट ही नहीं है, जेन्युइनली नहीं है, तो फिर वो हमेशा मेरे दिमाग में रहता है कि आई हैव समथिंग इंफीरियर इन माय आईज, व्हिच इज नॉट द केस।
Indian lenses are also good. You know, it's not that we are doing some injustice with them. So why do we want our patients to go back with that mindset ki nahi yaar acha quality wala to mujhe nahi I could not afford nahi kar sakta whatever I could afford I have got best in my eyes so in my opinion when we are promoting quality it should be across the board right from 10,000 to 65,000-90,000 all lenses are in my practice what we do is ki for that particular package जो बेस्ट अवेलेबल लेंस है हम लोग वही लेंस उस पैकेज के लिए इस्तेमाल करते हैं लाइक आई मीन यू नो इंडिया इफ वी से देयर आर लेट अस से 15 20 30 मैन्युफैक्चरर्स सो यू नो देयर आर हैंडफुल ऑफ देम वेयर इन वी कैन यू नो वाउच फॉर देयर क्वालिटी सो वी आर यूजिंग दोज लेंसेज सो दैट गिव्स अ पेशेंट यू नो दैट पेशेंट अ कॉन्फिडेंस कि नहीं मतलब अगर मैं लोअर पैकेज में भी जा रहा हूं तो देन दैट इज नॉट क्वालिटी का लेंस हां somebody is saying no voice is it for everyone पुराना सर और मैं बात कर रहे हैं तो मतलब वॉइस नो गुड वॉइस या यस सो राखी अहिरवार आर यू देयर हेलो ओके यस ओके सो वुड यू लाइक ऑडियो इज ओके सर दिल्ली या जेनिफर इज डॉक्टर सेंथिल्स काउंसलर आई नो शी कैन बी टेकन सम नेटवर्क इश्यू समथिंग या नेटवर्क इश्यू सो जेनिफर वुड यू लाइक टू वॉलंटियर एज अ काउंसलर और अ पेशेंट हेलो हेलो हाँ राखी बोलिए जी सर मैं हूँ यहाँ पर सुन रही हूँ आपने कैमरा कौन किया है ओके आई थिंक शी हैज सम नेटवर्क इश्यू सो वेयर इज अवेलेबल चलो कल्याणी वुड यू वॉलंटियर So I have these three smiling, happy faces in front of me. So Kalyani, Samaira, and Amandeep. So we will have mock session with these three enlightened and brightened faces. So amongst you, you decide who wants to be patient, who wants to be counselor, and who wants to be relative. Sir, I want to be counselor. Samaira wants to be counselor. Wonderful. So Kalyani. Yes, sir. Yeah. So you would, Mr. Amandeep, are you okay? Unmute yourself. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So you want to be a patient or patient's relative? I'm patient, sir. You're patient. So Kalyani Vasalistu. So you know, Amandeep is 65 years or 70 years. Old cataract patient and Kalyani is his daughter-in-law. Okay. So we'll start. They both have just entered Samaira's cabin and here we go. I'll switch off my camera so that you are visible to everyone else. Namaskar, sir. I'm from Namaskar, sir. Mera naam Shrishti hai and sir, sir, I'm very nervous. Why? There is no need to be nervous. One good thing is you volunteered for being counselor. There, that's first step of victory. No, come on. Okay, sir. मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ okay? नमस्कार मेरा नाम सृष्टि है एंड आई एम फ्रॉम केवीआर हॉस्पिटल सो मिस्टर अमनदीप सर आपको मैम ने कैटरेक्ट के लिए सजेस्ट किया है जी ऑलरेडी मेरी एक आंख में मैंने लेंस डलवाया था 15 साल पहले
राइट आई में अभी बहुत मुझे ब्लर दिख रहा है, तो डॉक्टर ने मुझे कैटरेक्ट बोला है, सर्जरी के लिए बोला है। सो सर, आपने जो अपनी राइट आई का कैटरेक्ट सर्जरी कराई थी, तो इसमें आपने आई मीन कितने का कितने पैकेज वाला लेंस डलवाया था? वो मैंने 15 साल पहले सिविल हॉस्पिटल में डलवाया था, तब मैं बहुत चीप ये 3500 समथिंग इतने पैसे लिए थे मुझसे। 3500? यस यस यस, मैं सिविल हॉस्पिटल से डलवाया था, वहां पे खर्चा कम होता है। ओके सर, ओके सर। सो नाउ सर, योर विजन इज 660, सो तो सर हमारे पास जो पैकेजेस अवेलेबल है, जो SICS सर्जरी होती है वो 6000 से स्टार्टेड है, एंड जो फेको वाली सर्जरी है वो 12,000 to 35,000 है मोनोफोकल, एंड इससे अबव हमारे पास मल्टीफोकल लेंसेस के पैकेजेस 35 मोनोफोकल है, उसमें 12,000, 15,000, 18,000, 35 ये हमारे इंग्लैंड के लेंसेस। ये आवाज नहीं सुन रही मैडम मुझे। आपको बीपी या शुगर की कोई प्रॉब्लम है? डायबिटिक, मतलब डायबिटीज की प्रॉब्लम है। ओके ओके ओके, यू आर डायबिटिक पेशेंट। ओके सो सर, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं लेंस जो मैंने आपको पैकेजेस बताए हैं, वो आप उसमें कितना अफोर्ड कर सकते हैं? मतलब 15 साल पहले मैंने जो 3500 रुपए का लेंस डलवाया था, अगर वही मैं डलवाना चाहूँ तो आज की रेंज में वो कितने का मिलेगा मुझे, मतलब उसकी कितनी कॉस्ट होगी? सर मैम आप बताइए, आप सजेस्ट कीजिए कि पापा के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, आप बताएंगे प्लीज? हाँ श्योर सर। मैम एक्चुअली होता है जो 12, 15 और ये 12, 15, 18 और 21 ये हमारे इंडियन लेंसेज है, 25, 30, 35 ये बाहर के लेंसेज है। जो 12 वाला लेंस है वो थोड़ा बेसिक लेंस है, मैं ये प्रेफर नहीं करूंगी कि आप ये डलवाएं। 15, 18, 21, 25, 30 और 35 ये लेंसेस अच्छे लेंसेस हैं। जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं हम उनको ये प्रेफर करते हैं ज्यादा कि वो 21 वाला लेंस डलवाएं, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होता है। बिकॉज डायबिटिक पेशेंट में ये होता है, शुगर तीन चीजों को इफेक्ट करती है, आंख को, हार्ट को और किडनी को। शुगर की वजह से जो आंख में प्रॉब्लम होती है, जैसे लाइक खून आ जा, विट्रस हैमरेज हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है, तो जब हम इन सब चीजों के ट्रीटमेंट के लिए जब हम इंजेक्शंस लगाते हैं, पर्दा बिठाते हैं, पर्दा बिठाने के बाद हम उसमें ऑयल डालते हैं, तो जो कम कॉस्ट के लेंसेज होते हैं वो तेल से चिपक जाते हैं, तो फिर ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम आती है। तो मैं ये प्रेफर करूंगी कि आप 12 और 15 वाला ना डलवा के 18, 21 या इससे अबव के डलवाएं। ये क्या जो आपने अभी जो पैकेजेस बताए जी, तो अभी जैसे कि हमारा इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, तो वहां पे रीइंबर्समेंट में है या कैशलेस? कैशलेस भी अवेलेबल है, और रीइंबर्समेंट के लिए हम आपको बिल्स वगैरह सब प्रोवाइड कराएंगे, तो आप इजीली रीइंबर्समेंट भी हो जाएगा। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है समायरा। हेलो एक्चुअली देयर इज अ नेटवर्क। हेलो अब क्लियर हुई मैम? यस हां अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके सॉरी। एक और मैडम, मैंने जैसे पहले लेंस डलवाया था, मैंने ये सुना है कि
ज्यादातर कुछ डॉक्टर बोलते हैं, ज्यादातर नहीं कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि लेंस, कुछ लोग बोलते हैं कि एक ही तरह के लेंस होते हैं, मतलब एक ही काम करते हैं, कि वाकई ऐसा है या कुछ डिफरेंस होता है इन लेंसों में जो आप बोल रहे हैं 12,000 का है, 35,000 का है, 15,000 का है, क्या डिफरेंस रहता है इनमें? सर इसमें डिफरेंस ये है कि जो 12 वाला लेंस होता है थोड़ा मतलब लाइक जैसे 12 और 15 वाले लेंसेज होते हैं इसमें जैसे लाइक 1 ईयर या 2 ईयर्स में झिल्ली आ जाती है, तो जो जो लेंस के पीछे झिल्ली आती है वो 12 और 15 वाले में जल्दी आ जाती है, बाकी इससे ऊपर के जो होते हैं उसमें थोड़ा टाइम मतलब आती है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब अगर आप बेटर लेंस करवाएंगे तो उसमें नहीं आएगी, अगर आप मोनोफोकल या ट्राईफोकल या मल्टीफोकल भी करवाएंगे तब भी झिल्ली आती है, तो जो बेटर लेंस होते हैं उसमें थोड़ा देर से आती है। तो साफ हो जाती है झिल्ली? हाँ सर वो एक मतलब लेजर मशीन होती है उसमें 4 शॉट मारते हैं और वो ठीक हो जाती है। मतलब दोबारा फिर आने के चांसेस रहते हैं उसको? नो सर दोबारा आने के चांसेस नहीं होते। हर एक लेंस में चाहे हम सस्ता लगवाएं चाहे महंगा लगवाएं दोबारा नहीं? हाँ जी सर। नहीं ठीक है, हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में और फिर आपसे बात करेंगे। ओके थैंक यू। ओके वेरी गुड good effort, so let everyone clap. Just excuse me for this wire. I'm sorry sir. No that's okay, you actually, need not be sorry. In fact you know we are clapping for you. It's good, yeah, kaafi acha. No sir, actually maine starting mein direct पैकेजेस के लिए बोल दिया था, एक्चुअली मुझे थोड़ा मैं जैसे पेशेंट से बात करती हूँ मतलब मैं एज अ ओपीडी असिस्टेंट भी हूँ, एज अ काउंसलर भी हूँ, एज अ ओटी असिस्टेंट भी हूँ, मतलब मैं प्रॉपरली एज अ काउंसलर नहीं हूँ, तो जैसे मैं काउंसलिंग करती हूँ डेली बस मैंने वैसे ही किया है, सो सॉरी सर। दैट्स वंडरफुल, नो प्रॉब्लम। वैसे तो मैं सर वैसे मैंने 6,000 चूज करना था, लेकिन जब उन्होंने बोला कि काउंसलर ने बोला कि डायबिटिक पेशेंट हो आपके वहां पे मतलब अगर पीछे वाले पर्दे का कोई करवाना पड़ेगा आपको तो उसमें जो चीप लेंस होते हैं प्रॉब्लम आती है, तो अभी मेरे माइंड में आ रहा है फिर हायर पैकेज के लिए मैं सोच सकता हूं। जी, जी, जी। और शायद 15 साल पहले यू डिडंट हैव ऑप्शन ऑफ मेडिक्लेम, नाउ यू हैव ऑप्शन ऑफ मेडिक्लेम। आपकी बहू ने इमीडिएटली इंटरप्ट किया और बताया कि मेडिक्लेम है, तो टोटली डिस्कशन दूसरी तरफ मुड़ गया। सो दैट वाज अ गुड एफर्ट बाय ऑल ऑफ यू। ओके सो एनी फीडबैक फ्रॉम द ग्रुप बिफोर आई स्पीक अप? या मिस श्रवणिका दास यू वुड लाइक टू गिव सम इनपुट्स अबाउट दिस सेशन? प्लीज अनम्यूट। हेलो जी बोलिए। हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ थोड़ा सा लगा के हाँ पैकेज के बारे में वो स्टार्टिंग से शुरू कर दिए, तो कैटरक एक्चुअली कैटरक क्या होता है? कैटरक मतलब कैटरक इसे नॉन टेक्निकली हम लोगों को कैटरक क्या है, कैसे होता है और कौन सा एज में ज्यादातर कौन सा एज में कैटरक होता है, ये सब हमको मालूम होना चाहिए। एज ए काउंसलर हमें ये बताना चाहिए कि कैटरक क्या है। कैटरक एक्चुअली ये कैटरक हम जो लेंस होता है उसको जो मतलब नेचुरल लेंस होता है उसको रिमूव करके एक आर्टिफिशियल लेंस लगाना पड़ता है कैटरक मतलब कैटरक सर्जरी के टाइम। लोग ये उनको मालूम नहीं होता है कि कैटरक क्या होता है। सो बेसिकली या इवन सम किसी अंडरस्टूड किसी डायरेक्टली या और हाँ देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्चुअली लेंसेस, जैसे कि इंडियन होता है, इम्पोर्टेड लेंस होता है, इंडियन होता है। आप जो 15 साल पहले लगाए थे वो वाला इंडियन होगा, और वो SICS मतलब आपका जो फैको सर्जरी होता है SICS होता है, मशीन का ऑपरेशन होता है, मैनुअल सर्जरी होता है, दो टाइप का सर्जरी होता है, एक मैनुअल होता है, एक इससे मशीन ऑपरेशन जिसको फैको बोलते हैं। आजकल मैनुअल तो चलता नहीं है ज्यादा,
तो ज्यादातर लोग मोस्ट ऑफ द पीपल प्रिफर करते हैं कि वो मशीनरी सर्जरी मतलब फेको सर्जरी करें, क्योंकि उसमें जो ऑपरेशन के बाद रिकवरी होता है या मतलब फेको सर्जरी सेफ होता है मैनुअल के. और बहुत छोटे छोटे बात होते हैं जिसको एक्चुअली ठीक मेन टाइम में हम लोग एक मतलब बोल नहीं सकते हैं. राइट. देयर इज अ क्वेश्चन फॉर काउंसलर. कुछ पेशेंट बोलते हैं कि ऑपरेशन कराना जरूरी है क्या? एंड आई वुड लाइक सम काउंसलर टू आंसर दिस. कि अगर पेशेंट ने पूछा कि क्या मेडिसिन से बोतिया जाएगा, सो व्हाट एग्जैक्टली शुड बी योर आंसर्स? मैम, अगर जैसे कोई पेशेंट पूछता है कि क्या मेडिसिन से जाएगा, तो हम यही उनको बताते हैं कि नो सर, मेडिसिन से मोतियाबिंद नहीं जाता है, हमें उसके लिए सर्जरी ही करनी पड़ती है. मामा तो सॉरी अल्लाह की. They insist, अरे मेरे वो दोस्त का तो मेडिसिन से मोतिया कम हो गया ऐसे उन्होंने बताया. So, would you like to suggest something for this? No, it's not possible कि मेडिसिन से. So be very confident while answering this. कि मेडिसिन से जाता ही नहीं है. It is only the cataract can be removed only by surgery. Cataract. So be very specific and very confident while answering this question. Basically, I feel that there is a fear in the back of the mind of the patient about the surgery. So he wants to delay it. So they karna chahte hain ki motiya bina operation ke theek ho jayega, ya ki operation karana hi padega, ya koi drops hain. To yahan pe humko ye bolna padega ki jaise hamari age badh rahi hai, waise hi hamare lens ki age bhi badh rahi hai. और धीरे धीरे वो धुंधला होके बिल्कुल बंद हो जाएगा आपको दिखना. तो अगर जितना आप डिले करे जाएंगे उतना ही आपको सर्जरी जो है थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी एंड चांसेस भी कुछ कॉम्प्लिकेशन के बढ़ जाएंगे. सो आप ड्रॉप्स के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़िए एंड गेट योरसेल्फ राइट ट्रेनिंग. नहीं सर, हम पेशेंट को समझाते हैं कि मतलब लाइक अगर आपने ज्यादा डिले किया लाइक पेशेंट आई मीन कैटरेक्ट उस पोजीशन में पहुंच गया कि जहां मतलब बिल्कुल पक जाता है मतलब हाइपर मैच्योर हो जाता है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं. हम ये पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं लाइक जब हम मोतिया हटाते हैं तो जो जो जिस धागों से आई मीन जर्नियों से लेंस टंगा होता है वो कमजोर हो जाते हैं, लेंस नहीं भी पड़ने के भी चांसेस होते हैं. हम ये सारी चीजें एक्सप्लेन. बेसिकली यू नो टू आंसर डॉक्टर स्वातिस क्वेश्चन, अगर आपको पेशेंट सवाल पूछता है कोई भी, दैट वाज वन एग्जांपल कि मेरे दोस्त का मेडिसिन से मोतिया ठीक हो गया, जो कि आपको मालूम है कि इट्स नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल. या व्हाट शी वाज ट्राइंग टू टेल यू इज यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हाइल आंसरिंग. At the same time, you have to use certain tactics, you know, what I would say, classify that. जैसे डॉक्टर खुराना rightly said कि वो जब पूछ रहा है कि सर्जरी करवानी जरूरी है क्या, इसका मतलब there is a fear or there is an anxiety about the surgery per se, you know, somewhere back of the mind. So you have got that you know basic need or basic concern. तो हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट मीन्स यू हैव टू आंसर टू दैट थिंग एंड यू कैन मेक इट इवन सिंपलर बाय सेइंग दैट जैसे एज बढ़ता है उम्र के हिसाब से ये कोई बड़ा डिसीज नहीं हुआ है, दिस इज जस्ट अ चेंज, यू नो द वे योर हेयर टर्न्स ग्रे या फिर स्किन में झुर्रियां आती है, ये बाहर होने वाले चेंजेस है, ये अंदर होने वाला चेंज है. So no medicine, no exercise is going to reverse this thing. In fact, जितना आप डिले करोगे
उसका धुंधलापन और बढ़ने वाला है और आपकी नजर और कमजोर होने वाली है. सो यू हैव टू कॉन्फिडेंटली यू कैन नॉट जस्ट यू नो स्किप बाय सेइंग नो सर इट्स नॉट पॉसिबल नो यू हैव टू बिल्ड सम यू नो नाइस वी हैव टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इनटू पेशेंट्स इंटरेस्टिंग नरेशन अराउंड दैट पॉइंट सो दैट पेशेंट अंडरस्टैंड इन हिज और हर लैंग्वेज राइट. या कंचन वॉन्टेड टू मेक सम पॉइंट. Yes, Kanchan. Kanchan Sharma. Yes, sir. Yes, sir. तुमने बताया तो सारी चीज अच्छा. बस शायद ही तुम्हें पता था कि पेशेंट पहले तो सब कुछ जानता है लेंस के बारे में सारी चीजें. क्योंकि अगर कोई अनोन पर्सन होता तो वो बहुत अच्छे से बता सकती थी. बट उन्हें ये पता था कि जिन्हें वो बता रही हैं, वो काउंसलर ही है. उन्होंने सारी चीजें अच्छी की बताई बट उसने एक चीज मुझे लगा कि उन्होंने ये पेशेंट से ये पूछ लिया कि आप क्या अफोर्ड कर लेंगे. तो ये हमें पेशेंट से नहीं पूछना चाहिए मेरे एक्सपीरियंस. बाकी उनके हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा किया. दैट्स वेरी राइट. दैट वाज अ हाइजीन क्वेश्चन है वो जिसे हम लोग बोलते हैं हाइजीन प्रूफ. अगेन एन एग्जांपल ऑफ हाइजीन प्रूफ कि हाउ मच यू कैन अफोर्ड especially afford ये जो word है that can be very offending to you know patients at times. It can hurt the ego of the patient. Yeah, it can hurt ego of a patient even if he is a highly affording patient. That then also he may not like. Especially in that case patient may not like. मेरे पास पैसा है मैं खर्च करने के लिए तैयार हूँ ये बंदी पूछ रही है how much you can afford. आप बोलिए कितना चाहिए आपको यू नो दैट कैन हर्ट ईगो. सो दैट इज वेरी वेरी रिस्की एंड ट्रिकी क्वेश्चन. ऑन द कॉन्ट्ररी सो आई गिव माय काउंसलिंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एज एवरीबडी वॉज सेइंग दैट यू नो यू डायरेक्टली जंप समायरा यू आर देयर. यस सर. या So as everybody was saying, you know, you directly jumped into the packages. That again and again, we have been telling you people right from the first session that you don't have to jump into packages. So that is strict no, number one. I can understand you are nervous and then you wanted to somehow get rid of, not that patient, get rid of Pratik sir, ki bhai ye khatam karo aur mera counseling band ho jaye. So no, I can understand this happens with me at many places. But then, you know, this we have to learn from our mistakes. That strict no hai, immediately packages disclose karne ke liye. Number two, jab patient ne aapko hint di, I am again and again asking you to look for hints or clues. Ki maine 15 saal pehle 3500 mein operation karwaya. So that means you don't have to fight against what Indian lens. You don't have to fight against Indian lens. Yahan pe aapka enemy is type of surgery. So you have to promote type of surgery. 15 years back in civil hospital, 3500, that means it has to be SICS or even the prior version of that. Extra. Yes. So that means you have to promote phacoemulsification and your focus should be on phacoemulsification aur aapko patient ko us waqt ki yaad taza karwani hai. Aapko usko puchna hai acha fir wo aankh mein patti lagi thi. If your surgeon is doing topical that is you know USP for you. Immediately you can put forth that USP. Acha us time pe aapko patti rahegi apne aap pe patti nahi lagate hain. इंजेक्शन दिया रहेगा अपने आप इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है सिर्फ हाथ में ड्रॉप डाल के. सी दिस वन हिट कैन गिव यू अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट सो मेनी यूएसपीज ऑफ योर हॉस्पिटल. जो हम लोगों ने लिखवाए थे मैंने जो बोला था कि तर्कश से एरो निकाल के राइट अपॉर्चुनिटी देख के आपको हिट करना है. सो यू ऑलवेज हैव दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. यू जस्ट हैव टू बी प्रेजेंट इन दैट सिचुएशन राइट. नंबर टू जैसे आपने अफोर्डेबिलिटी के बारे में पूछा सो द बेटर वे ऑफ आस्किंग दैट थिंग इज
सर ठीक है, मतलब वो टाइम तो आपने सिविल में करवाया था, जो भी सिचुएशन रही होगी, द वेरी फैक्ट दैट यू हैव कम टू द बेस्ट सेंटर ऑफ एक्स वाई जेड वॉट एवर योर सिटी इज, सो यू नो यू हैव कम टू द बेस्ट सेंटर ऑफ दिस सिटी, दैट मीन्स आपको इस सेंटर पे भरोसा है और आपको अच्छे से अच्छी सर्जरी करवानी है, एम आई करेक्ट सर? उसके मुंह से निकलने दो, द वेरी फैक्ट दैट जो बंदा 15 साल पहले सिविल में जाके ऑपरेशन करवाया वो आज एक पेड प्रीमियम सेंटर में आके कंसल्टिंग करवाता है 200 300 400 रुपए देके, दैट मींस समथिंग हैज चेंज्ड। व्हाट हैज चेंज्ड केम लेटर व्हेन हिज डॉटर इन लॉ स्पोक, नहीं हमारा तो इंश्योरेंस है। इमीडिएटली काउंसलर के दिमाग में आ रही यार फिर तू क्यों 6000 के पीछे पड़ा है भाई, you know that comes in our mind, but then you, that question should come from you right in the beginning, you are getting my point? So then yes, the whole discussion you know diverts to the different level altogether. So number one, you had opportunity to promote phaco emulsification topical and experience of today's cataract surgery. Sir 15 saal pehle jo hua jaane dijiye, 15 saal pehle hum log 15 saal pehle bhi phaco emulsification hi karte the, lekin aaj usme bhi aur zyada advanced aaya hai, right? So that means you have to look out for opportunities ki mujhe is bande ko kis cheez ke bare mein zyada batana hai. Yeah, Jennifer has raised her hand. Jennifer, you want to make some point? Your voice is breaking. Yeah, Jennifer, your voice is breaking. Now it's okay, sir. Yeah, now it's very good. Wait. Yes, sir. The patient will ask about that lens difference, you know, the Indian lens and foreign lens. As a counselor, we have to explain the differentiate of the lenses. Correct. So right, that time we are promoting the lens only. Correct, sir. So how the doctor skill and all we how to explain, sir? That's what I told you. You know. Yes. In this situation, in this case, particularly. Yes. Right from the beginning, she had opportunity to explain about the procedure, technology, doctor skill, and doctor experience. That's okay, and sir. And cataract surgery experience, you know, the advanced phaco emulsification, maybe micro phaco with foldable IOL, at best of the hands, number one eye hospital of the town, experienced, the most experienced surgeon, all USPs she could have explained to that one clue. The fact that he got operated in civil hospital 15 years back. Number two, jo aap pooch rahe ho, what you are asking, you know, if patient is asking about lens, yeah, when do we get opportunity to talk about the other things? In the whole session, don't worry, you get ample opportunities to talk about doctor skill and doctor experience and, you know, you, cataract surgery at your place. If patient is asking difference between Indian lens and imported lens, you have to stick to the difference between Indian and imported lens. Okay. At the most, what we can do is in our practice, most of the patients are going for imported lenses. ये एक आप उसको थोड़ा बहुत pusher दे सकते हैं. That makes patient biased towards a particular package or particular range. Then while explaining, I mean, you know, I may tend to forget this thing. So I'm just giving you one time. You have to play with psychology of the patient. And then, you know, उसके लिए कई सारे आपके body language और आपके clues बहुत काम आते हैं. A simple example, if you want to promote imported lens or premium packages, okay? While explaining, if you are explaining 1, 2, 3 ये इंडियन लेंसेस के पैकेजेस होते हैं एंड देन 4, 5, 6, 7 ये इंपोर्टेड लेंस. इंडियन लेंसेस आर गुड बट देन सी व्हाट आई एम डूइंग, इंडियन लेंसेस आर गुड
But then, you know, in our practice, most of the patients are preferring these kind of lenses. What I'm doing is, I'll just zoom it out. What I'm doing is, I'm demarcating with my hands. So these tacts play on, you know, very, very well on psychology. आप जब हाथ से इंडियन लेंसेस कैटेगरी एक साइड कर देते हो दैट मींस दैट इज अ डिफरेंट बंच ऑल टुगेदर एंड दिस इज अ डिफरेंट बंच ऑल टुगेदर देन इन डूइंग आल्सो इन डूइंग यू नो हैंड जेस्चर्स आल्सो व्हाट आई एम डूइंग इंडियन लेंसेस आई एम डूइंग दिस वे सी माय पाम इज क्लोज्ड इंडियन लेंसेस आई एम डूइंग दिस वे एंड व्हाइल सेपरेटिंग इंपोर्टेड बंच आई एम डूइंग दिस वे इन आवर प्रैक्टिस वी हैव most of patients preferring imported lenses. So these things, you know, these smaller tactics play on psychology of a patient. If that patient is prone to, you know, falling prey to all these tactics, then you have an opportunity. Okay, sir. Right. Yes, Mr. Amandeep, aapka kuch feedback as a patient? हेलो जी बोलिए सर गुड इवनिंग सर आई एम अंकित तिवारी सर जी बोलिए बोलिए सर मुझे ऐसा लगा मतलब कि जब मैडम ने बताया और सब अच्छा बताया कि अफोर्डेबल जो पूछा डिसीजन आई थिंक ये नहीं पूछना चाहिए देन सर अगर पेशेंट अगर बताता है हमें अमन मिस्टर अमनदीप जी ने बताया कि मेरे 3500 का लेंस पड़ा था बहुत 15 ईयर पहले जी तो आई थिंक मैडम ने बताया यूनिफोकल तो दैट्स गुड कि यूनिफोकल फेको मल्टीप्लिकेशन किया जाए दैट्स गुड देन मल्टीफोकल के लिए बताया तो आई थिंक वो नहीं बताना चाहिए मेरे एक्सपीरियंस से क्योंकि ऑलरेडी यूनिफोकल पेशेंट के पड़ा था एक आंख में 3500 का तो दूसरे आंख में मल्टीफोकल इम्प्लांट नहीं कर सकते एब्सोल्युटली राइट यस तो यही बस जी एब्सोल्युटली राइट क्योंकि वो इज नॉट right candidate for multifocal because he already has unifocal in one eye so you know yes, you cannot implant so that's a valid point yes Ambekar madam your inputs okay so we'll have one quick last mock session but sir I have a question please सर मैं ये कह रही हूँ जैसे सर ने अभी मतलब कहा कि मुझे मल्टीफोकल के लिए नहीं बताना चाहिए था बट आई थिंक हमें ये लगता है कि हमें अपने हमारे पास जो भी लेंसेज अवेलेबल है वो हमें सब बताने चाहिए कि माना कि वो पेशेंट अपनी पहले आपकी सर्जरी करा चुका है बट अगर वो कहीं और जाएगा कोई और उससे पूछेगा कि आपने कहाँ कराया कैसे कराया क्या क्या लेंसेज उनके पास अवेलेबल है क्या क्या पैकेजेस उनके पास अवेलेबल है आई थिंक हमें बताना चाहिए उनको जी व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग द होल पैकेजेस ओके आपको इनफैक्ट आपको SICS भी बताना चाहिए आई एम ऑफ दैट ओपिनियन राइट अगर आपके पास प्रीमियम पेशेंट आता है तो उसको व्हेन आई एम काउंसलिंग आई टेल दैट पेशेंट कि ये तो जो जो मैंने हाथ का जेस्चर्स बताया वो मैक्सिमम टाइम आई डू इट फॉर SICS एंड PECO ओके सो दैट यू नो दिस इज ओल्डर टेक्निक लेकिन अवेलेबल है तो बताना एज अ काउंसलर मेरी जिम्मेदारी है इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ सेम वे इफ यू आर एक्सप्लेनिंग अबाउट मल्टीफोकल लेंस देन यू हैव टू मेक श्योर दैट पेशेंट अंडरस्टैंड्स कि आप तो अभी कैंडिडेट नहीं हो क्योंकि आपकी एक आंख में ऑलरेडी मोनोफोकल डलवाया गया है लेकिन ये अवेलेबल है करके बताना एज अ काउंसलर मेरी जिम्मेदारी सो दैट वे यू कैन प्रमोट रादर दैट्स अ वैलिड पॉइंट दैट यू नो एवरी पेशेंट यू हैव टू गिव ऑल द ऑप्शंस that's very valid point but then my concern is if you have answered his first hint clearly then you know your discussion would have been at a different level altogether again and again we are coming back to the menu card and explanation of menu card I don't want menu card explanation I want interactive counseling right so one quick last session so somebody would like to volunteer as Everybody has shut up their cameras again. I think Amandeep can be a very good counselor. Amandeep, yes. So, Mr. Patient, are you okay? Thank you, sir.
Yes. So let Amandeep counsel, and I'll give one. Okay. Mrs. Chandana, are you okay? If you can become patient. You must be seeing a lot of patients. No, around you become, you, Pratik, you become the patient. Yeah. So you can play the role of a patient, and then there'll be so much of learning from that. Or a counselor, probably, yeah. Okay, chalo, I'll become a patient. Chalo, Amandeep, shoot then. I am a LASIK patient. You have LASIK at your practice, Amandeep? LASIK counseling nahi ki sir maine cataract ki glaucoma wagera kar raha hu mujhe budha hi banaoge theek hai I am a cataract patient shuru kijiye ha theek hai sir baithiye sir aapki age kitni hai sir ji meri age hai 60 आपकी मतलब दोनों आंखों में कैटरेक्ट है मुझे मतलब आपकी प्रिस्क्रिप्शन से तो देख लिया मैंने जी और आप काम क्या करते हो सर काम तो ऐसे कुछ नहीं करता हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटरी शाम के 2-3 घंटे जाता हूँ काम करने के लिए तो वहाँ पढ़ने लिखने का काम रहता होगा सर लिखना इतना ज्यादा नहीं रहता है वहां पे कुछ कागज वागज पढ़ने पड़ते हैं मतलब डॉक्यूमेंट्स कुछ है तो बाकी अखबार अखबार तो नहीं पढ़ता हूं मैं सो मोतियाबिंद है आपकी आंख में फर्स्ट आपकी राइट आई का हम पहले ऑपरेट करेंगे ठीक है तो उसके लिए कई तरह के लेंस हमारे पास अवेलेबल हैं आप नियर की जब पढ़ते हैं तो आप पैनक लगाते हो नजदीक का चश्मा लगाते हो जी जी ये प्रोग्रेसिव बनवाया मैंने पढ़ने से मतलब मोबाइल में मुझे ज्यादा तकलीफ होती है तो मोबाइल कितना टाइम यूज करते हो आप हाँ मोबाइल तो खैर अभी वो डे इन डे आउट रहता है हाथ में तो मतलब एनक लगा सकते हो आफ्टर सर्जरी आप पढ़ने के लिए या एनक लगाना पसंद नहीं करते आप नहीं मतलब अभी तो आई एम यूज्ड टू दिस थिंग काफी अच्छा दिख रहा है इससे और मतलब नजदीक के लिए प्रॉब्लम नहीं है अभी दूर के लिए दिक्कत हो रही है सर हमारे पास तीन तरह के लेंस अवेलेबल होते हैं एक तो सिंगल विजन वाले लेंस होते हैं जो आपकी लेंस डालेंगे आपकी दूर की निगाह नजर है जो आपकी क्लियर होगी लेकिन पढ़ने लिखने के लिए डेफिनेटली आपको नजदीक का चश्मा लगाना पड़ेगा जैसे एक फिट के लिए रीडिंग करने के लिए या कोई भी आप नजदीक का फोन देखना आपने उसके लिए आपको चश्मा लगाना पड़ेगा सेकेंड अभी रिसेंट एक टेक्निक आई है आई हैंस लेंस है मतलब दूर की निगाह भी ठीक करते हैं नियर के लिए भी 2 फुट के 60 सेंटीमीटर के पीछे अगर आपने कुछ भी काम करना है तो मतलब उसके लिए आपको नियर देखने में काफी हेल्प करेगा वो एनक के बिना भी आपका चल सकता है लेकिन बहुत बारीक अगर आपने पढ़ना है तो उसके लिए आपको एनक लगानी पड़ेगी उस लेंस में भी तो जो थोड़े कॉस्टली होते हैं आई हैंस लेंस तो सिंगल विजन वाले लेंस अगर आप हमारे पास 6000 से स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन इंडियन कंपनी का सबसे बढ़िया लेंस है जो 17000 का है एच डी क्वालिटी का लेंस है तो आप आपके ऊपर आप कितना अफोर्ड कर सकते हो ठीक है कौन सा डलवाना चाहते हो लेंस अगर आपके माइंड में कोई भी लेंस को लेकर डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो मेरा नंबर भी मैं आपको दूंगा अगर आपको घर जाके भी कोई दिक्कत लगे या कोई माइंड में डाउट आए आप मतलब पूछ सकते हो मुझसे फोन करके पूछ सकते हो फर्स्ट ये अगर आप एनक लगा सकते हो नियर की तो आप 17000 जैसे इम्पोर्टेंट लेंस 17000 का खर्चा हो जाएगा जी इंडियन लेंस इंडियन का जो इंडियन कंपनी का बेस्ट लेंस है उसका खर्चा 17000 है मतलब कुछ थोड़े बहुत दवाइयों के खर्चे होते हैं ऊपर पड़ जाए कि मतलब 18000-18500 आपका टोटल खर्चा आएगा अगर आप बोल रहे हैं कि जैसे हमारे पास इंपोर्टेड लेंस भी होते हैं 23000 से स्टार्ट होते हैं वो जैसे हम बोट कंपनी के यूज करते हैं अल्फन कंपनी के यूज करते हैं तो उनकी क्वालिटी थोड़ी और ज्यादा बढ़िया रहती है बाहर से ये नहीं है कि जी जी सर इंडियन ठीक नहीं रहते मतलब फर्क क्या है इंडियन और इंपोर्टेड में देखो सर क्वालिटी वाइज और क्लियरिटी वाइज फर्क रहता है ठीक है जैसे कोई एक आदमी है जैसे कार है कार का काम क्या होता है एक बंदे को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना ठीक है एक कार 3 लाख की भी होती है कुछ लोग उससे भी काम चला लेते हैं ठीक है एक कार 30 लाख की भी होती है 3 करोड़ की भी होती है ठीक है
डिपेंड करता है हमारी जेब के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि आप सस्ता लेंस लगाओगे आपकी नजर कम आएगी, आप महंगा लेंस लगाओगे आपकी नजर बहुत ज्यादा आएगी। अगर आप आपको शुगर बीपी की प्रॉब्लम है कोई? नहीं नहीं ठीक है। जैसे भी एक डायबिटिक पेशेंट है, मान लो कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसको 15 साल से शुगर है, अगर उसके पर्दे में कोई इफेक्ट है, चाहे वो 1.5 लाख का भी लेंस लगाए, उसकी नजर पूरी आने के चांसेस कम रहते हैं अगर पीछे कोई इफेक्ट है पर्दे में, ठीक है। तो बेस्ट लेंस इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जैसे बाहर की टेक्नोलॉजी है, बाहर की मटेरियल से लेंस बने होते हैं, उसकी क्लियरिटी और क्वालिटी ज्यादा बढ़िया रहती है इंडियन लेंस से। बाकी ये नहीं कि इंडियन 17,000 का एचडी क्वालिटी का बढ़िया लेंस है, वो भी बाहर के मतलब बराबर ही है। तो आप दोनों में कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे खर्चा बढ़ेगा वैसे वैसे थोड़ा क्वालिटी में थोड़ा और ज्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। और जैसे मतलब ये है कि 23,000 का लेंस वो माइक्रो कट के थ्रू डालते हैं, ठीक है, उसके क्या होता है आपकी आंख में बहुत जो कट है बहुत छोटा हो जाता है, उससे इंफेक्शन रेट बहुत कम हो जाता है। ऑपरेशन करवाना जरूरी है? मतलब नॉर्मली तो मैंने सुना है कि 65-70 साल की उम्र में होता है ये, अभी स्टार्ट 60 रनिंग है मेरा तो इतने। नहीं सर ऐसा नहीं होता, जी ऐसा नहीं होता सर। आपकी मतलब जैसे कोई पेशेंट है उसके बाल हैं, कुछ पेशेंट होते हैं उसके बाल 45 में वाइट हो जाते हैं सारे, ठीक है, कुछ पेशेंट रहते हैं उनके 90 साल में भी काले रहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आँख का लेंस होता है, मतलब कुछ लोगों का बहुत जल्दी ये खराब होना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों का ज्यादा एज में होता है। अभी आपका जो 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 आपकी रिपोर्ट फाइल देख रहा हूँ, जो आपकी आँख डॉक्टर ने चेक की है, उसमें मुझे लग रहा है कि 40-50% आपकी आँख में मोतियाबिंद है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर, अगर आप घर में कोई काम नहीं करते, बाहर आने जाने का काम, अगर आपको लगता है आप 2-2.5 महीने वेट कर सकते हो, ऐसा नहीं बोल सकते कि दो, मतलब आपकी बॉडी के ऊपर है ये कितनी तेजी से बढ़ता है, ठीक है। कुछ लोगों के बाल 2-3 महीने में बिल्कुल सफेद हो जाते हैं, कुछ लोगों के थोड़े बहुत सफेद होते हैं तो टाइम 5-5, 7-7 साल ले जाते हैं। तो आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कितनी तेजी से पकेगा ये, ठीक है। तो जैसे हर एक पेशेंट 2-3 महीना रुक सकते हैं जी सर, आप 1 मंथ के बाद आप चेकअप करवा लेना, ठीक है, आपको लग रहा है आपका काम चल रहा है, ठीक है। लेकिन आपके लिए अगर कैटरेक्ट है आपकी आंख में, रात को जो ड्राइविंग बहुत डेंजरस है आपके लिए, धूप में जाएंगे तभी प्रॉब्लम आएगी, अगर रात को लाइटों में जाएंगे तो ड्राइविंग तो आपके लिए बिल्कुल भी आपको नहीं करनी चाहिए, रात को ड्राइवर लेके जाना चाहिए अगर आपने कहीं जाना भी है। बाकी आप रुकना चाहो तो मतलब जितना टाइम आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा आपका काम चल रहा है थोड़ा बहुत, तो रुक सकते हो, लेकिन आपको करवाना ही पड़ेगा, इसका और कोई सलूशन नहीं है, ठीक है। दवाई से ये ठीक नहीं होता, मेडिकल लाइन में कोई भी ऐसी दवाई नहीं जो उसको ठीक कर दे, तो ऑपरेट ही इसका हल है, आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है, बताता हूँ मैं आपको सर, थैंक यू। ओके थैंक यू, चलो गुड फीडबैक। अच्छा प्रतीक जी, व्हेन यू से कि बताता हूँ मैं अब ठीक है, उसके बाद उसको कैसे खत्म करना है डॉक्टर? पेशेंट अगर बताता हूँ, ये पेशेंट सी पेशेंट ने बताता हूँ क्यों बोला, बिकॉज वी कुड नॉट गिव हिम फिक्स्ड पीओए प्लान ऑफ एक्शन, हम लोगों ने नहीं दी, नहीं राइट। तो जो मैं बोल रहा था कि वी हैव टू गिव फिक्स्ड प्लान ऑफ एक्शन, वो वी आर अगेन एंड अगेन फेलिंग टू गिव दैट पेशेंट। ऐसा नहीं है कि वो पेशेंट इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ ऑपरेशन करवाने वाला है, बिकॉज पेशेंट इज इन डाउट, राइट। ही डिड वंडरफुल जॉब अगेन ऑफ एक्सप्लेनिंग द होल पैकेज सिस्टम, बट देन पेशेंट, ये पूरे कॉन्वर्सेशन में पेशेंट हार्डली 4 या 5 लाइन्स बोल। The whole objective of interactive counseling is make your patient talk more and more, gather information. Jo main first session se bol raha hun, you have to gather information and you have to, then and then only you will understand what his or her concern is. So that again and again we have to see. It's not going to come in mock sessions or in one or two counseling sessions. You need to practice a lot. But then your objective has to be clear. Aapko इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, पेशेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा बात करनी है, और पैकेज सिस्टम में बहुत ज्यादा, जब तक आप खुद एग्जॉस्ट ना हो जाए तब तक आपको पैकेज सिस्टम में नहीं घुसना है।
keep this simple rule because you know patient is not going anywhere. I think Mrs. Chandana wants to make some points. She has raised her hand. Yes, Ms. Chandana. Hello. Yeah, sorry, I'm audible now. Yeah. Yeah. So only my observation is that I never played a role of a counselor, but as a patient, when he first time hears about the whole thing of surgery, it's important that the counselor, he conveys and makes the patient comfortable as to the kind of a surgery, saying that it's inevitable and the most commonly done surgery in the thing, and with the advancements and the technology of this today's world, it is a very blade-free and pain-free surgery. And you can think that you can walk back home on the same day right after 2 hours of the surgery. And you can just talk about, most of the time is spent talking only about the lens, and these important points are being buried in the time of conversation, whatever we have with the patient. So let him be more aware of, you should understand the mindset as to if a person hears about a surgery first, it's a different thing altogether. It was not, he was not prepared for it. So just saying cataract is a very commonly done surgery. And then the last part, you can just say about the quality, operation theaters, and the experience of the surgeon. And you can also say that this is the most, it needs a very high level precision surgery. It's not any other small surgery. So the quality and these other factors play a lot of roles. These lens, obviously, they're with every other hospital. The same lens are propagated in any other hospital. But what we as a hospital, we have to showcase is our experience and good hands with and good note with this particular surgery as a whole. And then you can also talk to the patient as to what you are expected to do soon after the surgery, the next day and later, and what are the visits required further. And if he's an outstationed patient, how many times it's required that he travels to the hospital. And if at all there are anything that can go wrong, like the surgery risk, how much about the technology and the surgeon we play role, a surgery is end of it, definitely a surgery. And it there are many risks and side effects, whatever it is. And we have to speak about all those things. And then the last thing, it comes to the thing is lenses, which I think is talking much about it is only confusing the patient as to what to do, but that are prepared for any kind of surgery, any kind of lens, then I think we should talk more about the other points and give the least importance to the lens. Absolutely true. That's what, you know, we have been talking again and again, that don't jump into the package's explanation immediately. You know, that is just a part. One small example I give. If we consider overall PICU surgery, you know, that lasts for, let us say, on an average 15 to 20 minutes. You know, the lens implantation is hardly 2 minutes. Rest 15, 16 minutes are surgeon's job, surgeon's skills, you know, your protocols, your systems that are working, you know, your infrastructure that you have put in money in. So we give least importance to these 18 minutes. And we give most importance to the 2 minutes job, that is a lens, because that is going to stay in a patient's eye. But then, I mean, you know, the cataract surgery is not only about lenses or packages. And believe me, this is for everyone. I mean, believe me, patient's main concern, I'm again and again telling you, patient's main concern is not cost. Main concern or main need is hidden somewhere deep inside. And we are trying to just dig deep into it and then try to find out that basic concern and what mindset that patient or relative is sitting in. If we take this example wherein I was enacting as a patient, you know, this patient is basically that way what I would call as young patient for cataract. Not too young, but then, you know, on average 60, 65 we get. But then वो patient खुद surprised था या फिर थोड़ी देर में याद आई तुम्हें मेरी हाँ जी yeah so that patient was not prepared कि इतने 60 years में मुझे operation करवाना है and then he is still working. I gave that hint also.
that he is still working. He is not earning out of it. I am working voluntarily with some organization. That means he is not kind of a person who will just sit at home, go for morning walk or some laughter club, come back, have breakfast, then, you know, lie down and then just sit nicely at home. He wants to do something. That means he's active. That was a very good hint given to your counselor. Number two, what kind of work he is doing? वो आप और पूछ सकते थे. आपने पढ़ना लिखना पूछा तो उसने बताया कि मैं डॉक्यूमेंट्स लेते हैं. बाकी फिर कौन से टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है, फिर आपका रोल क्या होता है. तो सर वंडरफुल, आई मीन इवन आफ्टर योर रिटायरमेंट यू आर डूइंग सच अ नोबल वर्क एंड दैट्स रियली कमेंडेबल. यू हैव टू अप्रिशिएट, यू हैव टू फाइंड आउट अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट टू दैट पेशेंट. Then only you will get what you are trying to gather, right? Lastly, वो patient की main concern जो मैंने दिमाग में रखी थी, now कि मुझे अभी मैं अभी actively बाहर घूमता हूँ, मैंने अपने आसपास बहुत सारे cataract patients घूमते हुए देखे हैं. I am not mentally prepared to roam around with those dark glasses. That is what my concern was as a patient. But in our conversation, we could hardly reach to my basic concern. See, ये बहुत रहता है. Sir, dark glasses पहनने जरूरी है. White glasses पहन सकते हैं because they see. You know, many centers are giving transparent glasses. So these smaller things play very important role, especially in case of your younger patients. आप जितना ज्यादा converse करोगे, उतना ज्यादा आप उसके deep जाओगे और उसकी basic concern आप पता कर पाओगे. And then, as even Mrs. Chandana said correctly, other things we hardly, utilize our time to explain about all other things, infrastructures. हम लोगों ने एक activity की है, if you all are remembering. हम लोगों ने USPs लिखे और वो USPs कैसे patients के language में बताने हैं, उसके benefits भी हम लोगों ने लिखवाए हैं. To go through all those things and try and find out opportunity again and again to hit that arrow at right time, at right question, right? So I think it's 8:10 now. Anything else anybody would like to add anything? Okay, one hidden question in all your minds. So I could read that and to answer to that, sir, when are you going to exhibit your counsel? Right? ये बंदा बात बहुत करता है, ये बंदा counseling कैसे करता है? So I know that very well. So tomorrow's session will start with a mock counseling session wherein I will counsel. Any one of you can volunteer. Initially, I had in my mind that I will try and record actual patient in our hospital, but unfortunately, I was too busy in these days. Last 7 days, Ganpati, and before that also, I was traveling, so I could not catch hold of one live patient. Agar kal mujhe milta hai hospital mein koi live patient, I'll try and record that counseling. Otherwise, I'll record one mock counseling session so that even if you are acting as a patient, then also impromptu बहुत ज्यादा बात नहीं हो पाती है. If it is a planned, मैं अगर किसी को time करके रखूं कि आपको एक concern दिमाग में रखनी है और मुझे बिल्कुल नहीं बताना है. Tomorrow we are going to have live mock counseling, and then anybody can volunteer and then come prepared for that session. So tomorrow, आपकी वो ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं, and then tomorrow is going to be our last session wherein we will see how to track effectiveness of whatever we have talked about up till now. You know, there had to be some system, or rather there had to be some system to track effectiveness of your counseling. So we'll one by one, briefly look into that. Many of you might be already having certain systems. You're most welcome to share your systems. Agar aap already kuch systems hai aapke paas, commonly used systems, conversion rate as a KPI or
में भी एक इंडिकेटर काफी सारे हॉस्पिटल्स में रहता है बट देन अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अदर वी कैन हैव अदर सिस्टम्स आल्सो सो वी विल हैव लुक एट दोस सिस्टम्स एंड दैट्स इट वी विल सी यू टुमारो इन द लास्ट सेशन ऑफ दिस 12 वीक्स जर्नी राइट चलो गुड नाइट सर सॉरी My own mistakes. Yeah. Yeah, you wanted to. Sorry for what? Sir, जो मतलब मेरे से mistakes हुई मतलब आप सब मेरे लिए teacher ही हैं. मैंने counselling as a counselling इसलिए चुना क्योंकि मुझे पता चले कि मेरी कहाँ mistakes हैं. Absolutely. So you know, you need not be sorry. I mean, you know, that is. Most meaningless word. So don't say sorry. Good that you know you are learning. And see, as an OPD assistant, one last word. I mean, you know, many of them are ophthalmic assistants or optometrists and OPD assistants. So you have upper hand as compared to a pure counselor. क्योंकि आपका interaction patient के साथ काफी पहले शुरू होता है. So you are best people to exhibit interactive counseling in your OPD. Counseling need not happen purely in the counseling chamber. Remember always, you know, it can start right at the reception. It can start at your optometrist station. It can start, in your waiting area. It can start at your surgeon's chamber. So you have better opportunity to start interaction with the patient, right? Okay, so thank you so much, and once again, a round of applause for all the volunteers. And tomorrow, thank you. Another interesting session, right? Okay. Thank you. Good night.